नमस्कार, इंडियन मिलिट्री अफेयर्स आपको नमन करता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रक्षा सूत्रों ने कहा कि भारत ने मंगलवार को ओडिशा में एक परीक्षण रेंज से ABHYS हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT हीट ड्रोन का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। सूत्रों के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा चांदीपुर के समीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया परीक्षण विभिन्न राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को उसकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि अभ्यास का उपयोग मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। DRDO ने आज अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक मील का पत्थर हासिल किया। ITR बालोसोर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक टारगेट के रूप में किया जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए DRDO और अन्य हितधारकों को बधाई, उन्होंने ट्वीट किया। मंगलवार को परीक्षण के दौरान 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO के सूत्रों ने कहा, अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान AD द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वायु वाहन को जुड़वा अंडरस्लांग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC के साथ साथ एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS से चालित किया जाता है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। रक्षा वक्तव्य में कहा गया कि वाहन का चेक आउट लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS का उपयोग करके किया जाता है। परीक्षण अभियान के दौरान 5 किलोमीटर की उड़ान की ऊंचाई, 0.5 मैक की वाहन की गति, 30 मिनट की धीरज और परीक्षण वाहन की 2G टर्न क्षमता की उपयोगकर्ता की आवश्यकता सफलतापूर्वक प्राप्त की गई थी। DRDO के एक सूत्र ने कहा, इसने पूरी तरह से स्वायत्त तरीके से नेविगेशन मोड में अपने प्रदर्शन को साबित किया। बालासोर में 2 परीक्षण किए गए। इस डिकॉय ड्रोन अभय का परीक्षण 30 मिनट के लिए किया गया था, लेकिन विशेषज्ञ का कहना है कि यह 50 मिनट तक रह सकता है, जो इसे 400 से 500 किलोमीटर की प्रभावी सीमा देता है, जो पाकिस्तान और चीन के सभी सीमा क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आमतौर पर अधिकांश वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश के 200 मील के भीतर स्थित हैं। अभ्यास एक 2G टर्न कर सकता है, जो केवल लड़ाकू विमान और मिसाइल प्राप्त कर सकते हैं, और एक विमान के सदृश एक बड़े निकाय के हस्ताक्षर बॉडी सिग्नेचर देता है। इस डिकॉय ड्रोन को दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट समझ बैठते हैं। इसमें 0.5 मैक की गति है, जो एक डिकॉय ड्रोन के लिए पर्याप्त है। DRDO ने इस विशेष समय में इस शक्ति प्रौद्योगिकी का परीक्षण और प्रदर्शन क्यों किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में चीन की सीमा के साथ तनावपूर्ण तनाव के साथ दुश्मन देश को एक संदेश भेजने की जरूरत थी। आमतौर पर दुश्मन देश की हवाई रक्षा प्रणाली अच्छी तरह से छिपी होती है और कोई भी अनियोजित हमला किसी राष्ट्र पर हमला करने के लिए भारी नुकसान उठा सकता है, क्योंकि राफेल जैसे प्लेटफार्मों को पूरी तरह से लोड करने पर 1200 करोड़ तक का खर्च हो सकता है। अभ्यास ही डिकॉय ड्रोन की कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए है, और ठीक इसी तरह उनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के साथ प्रभावी लक्ष्यीकरण और दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली के निर्देशन में किया जाना चाहिए। जब दुश्मन वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना होता है, तो डिकॉय ड्रोन से उसका सटीक स्थान को आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि वे हमारे उपग्रह और रडार सिस्टम को एक विशाल गर्मी हस्ताक्षर प्रदान करते हैं। एक बार दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली का पता चलने के बाद यह आसानी से लक्षित और नष्ट हो सकता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पहले डिकॉय ड्रोन को एक बार डिकॉय ड्रोन पर फायरिंग के दौरान निगरानी और लड़ाकू विमान के साथ मिलकर दुश्मन के AMD सिस्टम को जाम और डिटेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। सर्विलांस सिस्टम लड़ाकू विमान की सूचना देता है। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद बियॉन्ड विजुअल मिसाइलों से जो फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है उसे नष्ट किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल इंडियन मिलिट्री अफेयर्स नया है, कृपया मुझे प्रोत्साहित कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।